हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज का टॉपिक एडिटिंग, तो एडिटिंग के बारे में बताऊंगी इसमें कि एडिट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। और इससे पहले मैंने ये एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि बिना कैमरा फेस किए यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, कैसे बनाएं और कहाँ से इमेजेस लें, कैसे डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, कहाँ से म्यूजिक लें। तो जल्दी से आप जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, फिर आइए यहाँ पर, मैं यहाँ पर एडिटिंग करने बताऊँगी। वहाँ से अपने इमेजेस और म्यूजिक डाउनलोड कर लिया है तो यहाँ पे आके एडिटिंग में बताऊंगी। यहाँ से बेसिक अभी बताऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी, और इसके लिए नहीं, पार्ट सेकंड में लेके आऊँगी। पार्ट सेकंड में मैं सारा कवर करूँगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसके लिए मैं बस इसमें सिर्फ बेसिक बताऊंगी, और पार्ट सेकंड भी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैं कवर करूंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी, छोटी बड़ी सारी चीज़ें बताऊंगी और इजी तरीके से बताऊंगी। और ये बस इतना ही, ये स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है तो पूरा देखिएगा। और चलिए मिलते हैं स्क्रीन पर मोबाइल के, और देखते हैं कि एडिटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना होगा, जो प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाता है, तो वहाँ पे जाके आप काइन मास्टर है इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम आगे अपने काइन मास्टर पे, ये देखिए ऐसा दिखता है कुछ, ये वीडियो इससे एडिट करते हैं। तो बहुत सारे एडिटिंग के ऐप्स हैं, जैसे कि काइन मास्टर, फिल्मोरा, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो मैं आज सिर्फ काइन मास्टर पे ही बता रहा हूँ कैसे एडिट करते हैं। तो बेसिक ही चीज़ बताऊँगी मैं, आज सारे फंक्शन बताऊँगी, मतलब कैसे सारे इफेक्ट डालते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, एक एक करके बताऊँगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें मैं इस पर करके बताऊँगी। तो चलिए पहले जल्दी से सीख लेते हैं कि कैसे, आज से बेसिक है कि कैसे हम एडिट करते हैं। तो देखिए ये प्लस का आइकॉन, यहाँ पर प्लस पे इसे क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। हमको 16:9 का रेशियो लेना है, ये वाला, तो ये वाला हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। तो कुछ ऐसे ही खुल जाता है। तो जैसे कि वीडियो तो आपने अभी नहीं बनाई है, जैसे आप कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड करके फ़ोटो लेके आइए, फ़ोटो से बनाइए, और आप म्यूजिक भी डाउनलोड करके म्यूजिक से आए, नहीं तो अपनी वहाँ पर उसकी अपनी आवाज़ भी डाल सकती हैं। तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन ऐसे खुल गया, अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मीडिया देखिए यहाँ पर है, वहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है। तो मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी है वो सारा खुल जाएगा। तो यहाँ से अपनी एक फ़ोटो या वीडियो, जो भी कुछ आपने डाउनलोड करी है, जो भी कुछ आपने ऐसा किया है, तो यहाँ पे आप जाके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना एक अच्छा सा, मतलब एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये पिक्सा बेस से ही डाउनलोड करी थी, तो वही वीडियो है। मैं एक और सेलेक्ट कर लेती हूँ इसका, मैंने दो वीडियो सेलेक्ट कर ली है। तो देखिए कुछ ऐसा ही है, ऐसे है जैसे कि मोटिवेशन पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मोटिवेशन, ये वीडियो चलता रहेगा और आप अपनी आवाज़ वहाँ पे ला सकते हैं। तो ऐसे कुछ ये चलता है, म्यूजिक नहीं है तो आपको यहाँ से अपनी चाहे तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक लेते हैं। तो चलिए हम लोग म्यूजिक लेते हैं। तो ये देखिए ये सर्कल है, इसमें मीडिया लेयर्स, वॉइस, ऑडियो, ये सारे लिखा है। तो वॉइस के लिए जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर वीडियो आप चलती रही तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो पहले मैं वीडियो करके बताती हूँ। तो ऑडियो में ऐसे जाइएगा तो वहाँ पे से ये देखिए गाने आपके आ जाएंगे, आपको जो भी गाना चाहिए वहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए तो ये प्लस का निशान है, ऐसे इसको करेंगे तो ये देखिए ये गाना अभी आ चुका है। ये चलिए आप चाहे तो यहाँ से ये ऑडियो को म्यूट भी कर सकते हैं। देखिए म्यूजिक है, इस पर यहाँ से आप कम कर देंगे तो ये गाना नहीं बजेगा। ये देखिए फिर इसकी आवाज़ को भी यहाँ से ऐसे तेज कर सकते हैं। ये देखिए ऑन कर, ये ऑटो वैल्यू ऑन कर दिए तो इसकी आवाज़ ज़रा तेज हो जाएगी। जैसे आपने कभी वीडियो में कभी स्लो बोला है तो इससे आप अपनी आवाज़ तेज कर सकते हैं। ये देखिए आवाज़ तेज हो चुकी है। ये आवाज़ के भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि ये देखिए ऐसे आवाज़ चेंज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आवाज़ चेंज कर सकते हैं।
फिर जैसे कि हमको ये बीच में कट लगाना है तो कट कैसे लगाते हैं, तो ये कैंची का निशान है वहाँ पे, अब ऐसे आप जाइएगा तो ये देखिए दे दिया है लेफ्ट हैंड प्ले हेड, राइट हैंड प्ले हेड, स्प्लिट इन प्ले हेड, स्प्लिट इन साइड फ्री फ्रेम, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो जैसे कि हमें लेफ्ट को मतलब कट करना है, लेफ्ट का पार्ट हमें लग रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली ऐसे कट कर सकते हैं। ये देखिए ये चला गया, अभी हम इसकी म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं, तो ये कट गया। लेकिन आपको फिर से चाहिए तो फिर से ये यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ चुका है। फिर यहाँ आपको लगता है कि इसके राइट को कट कर देना चाहिए, तो फिर ये राइट करेंगे तो राइट कट हो गया, यहाँ से फिर से मंगा सकते हैं। बीच में क्या कहते हैं, बीच में हमें इफेक्ट डालना होता है, तो यहाँ से ये देखिए ये ऐसे करिए और स्प्लिट एट प्ले हेड, तो बीच में ये कट आ चुका है, फिर यहाँ से ओके कर लीजिए। ये देखिए इसकी आवाज़ को हम जरा म्यूट कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम इफेक्ट्स ला सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इसमें हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए यहाँ पे दूसरा इफेक्ट ला सकते हैं, 3D इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट है, तो आप करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। मैं इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट में सारी बात बता दूंगी, इसके सारे फंक्शन, अभी मैं सिर्फ बेसिक ही बता रही हूँ। तो ये देखिए ये इफेक्ट ऐसे लाया जाता है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा कोई मतलब कठिन काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, अगर आप करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं इसमें। तो ये इफेक्ट ला दिया मैंने, अगर हमें इसमें कुछ लिखना है तो ये भी है यहाँ पे, ये देखिए ये लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि लिख दीजिए, मैं लिख देती हूँ, चलिए मोटिवेशन, ये देखिए मोटिवेशन है, साइज ऐसे बड़ा कर दीजिए, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इसके एमिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि ऐसे कच करना हो, ये देखिए ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें से कर सकते हैं, देखिए ये इफेक्ट। अगर इसको आपको पूरे में करना है तो इसे स्क्रॉल करके इसको पूरे में भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये देखिए अभी ये पूरे में आ जाएगा। अगर आपको इसको पूरे में नहीं करना है तो फिर से आप इसको ऐसे करके फिर से ऐसे करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा, कि अगर एक को लगता है इसको आपको साइड में करना है तो साइड में ऐसे उठा, फिर लेयर पे जाएंगे। अगर आपको और भी कुछ वीडियो या फोटो चाहिए तो आप ये भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि चलिए मैं ये सब्सक्राइबर का ले लेती हूँ, तो सब्सक्राइबर का ऐसे ग्रीन आता है तो इसको आपको जाके क्रोमा क्री ऑन हो जाएगा, जब ये आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको अनेबल कर देना है, तो अनेबल कर देंगे तो ये ग्रीन नहीं आएगा, ये देखिए इसको भी चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, इसके भी एमिनेशन को चेंज कर सकते हैं, देखिए अच्छे कि ये रख लेते हैं, चलिए ये देखिए। अब जब आप कब बोलेंगे वीडियो में कि चैनल को सब्सक्राइब करिए तो फिर ये आप ये ऐसे लगा सकते हैं, तो क्या होता है सबको मतलब ध्यान में रहता है कि हाँ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बस यही सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इस पर नेक्स्ट टॉपिक पे मैं सारे इसके फीचर्स बता दूंगी। महारे मैं एक और ये चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपनी आवाज़ नहीं ला सकते तो ये आप अपनी आवाज़ लाना चाहते हैं वीडियो में, तो ये देखिए वॉइस करके वॉइस पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो अलाउ करेंगे, तो ये आप अपनी आवाज़ जैसे कि जो भी मैं बोल रही हूँ अभी ये अब रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, ये देखिए जो भी मैं बोल रही हूँ वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे कि आप ऐसे फोटो ऐसे चलने दीजिए, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर यहाँ से स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, जी कि मैं करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ना शुरू हो गया है, ये देखिए जो भी मैं बोल रही हूँ वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे कि आप ऐसे फोटो ऐसे चलने दीजिए, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मोटिवेशन वीडियो बनाइए और अपनी आवाज़ ऐसे लाइए, इसको आवाज़ को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए जी आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अगर आप इसकी भी आवाज़ को चलने देना चाहते हैं कि चले तो थोड़ा तो इसको कम करके इसको ऐसे ये देखिए ये भी म्यूजिक भी साथ साथ में चलेगा और मेरी आवाज़ भी आपको साथ साथ में सुनाई देगी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे एमिनेशन कैसे लाते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं, कैसे लोगो अपना क्रिएट करेंगे वहाँ पे लगाएंगे, कैसे सब्सक्राइबर लिखेंगे, सारी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। तो मेरा आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये बना है, यहाँ पर जाके ऐसे करेंगे तो ये सेव हो गया है। तो सेव होने के बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए शेयर का है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको फुल HD कुछ भी चाहिए वहाँ पे जाके आप इसको MPS कितना चाहिए, लो हाई रखना है, वो सारे मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे आपके जाके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, बेसिक चीज़ बताई है मैंने। तो आपने देखा कितना ईजी है, कितना आसान है एडिटिंग करना, और वो भी मोबाइल से। जी हाँ, कोई लैपटॉप कोई उसकी नहीं। आप अगर नए यूट्यूबर है, अगर नया अपना ये चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सोचते होंगे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, ये करना नहीं, सिर्फ मोबाइल से बहुत ही अच्छे से एडिटिंग हो जाती है। तो बहुत ईजी बताया है मैंने, बहुत अभी बेसिक बताया है, ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा कुछ नहीं बताई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं और वीडियो बोर हो जाते हैं, बस इसके लिए आप स्किप करके चले जाते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। तो इसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। और आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और अच्छे से सीख लिया होगा। और तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं, सेकंड पार्ट में मैं सारी चीज़ें सारे कवर कर दूंगी, जो भी रह गया। आपको कुछ भी और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको जो समझ में नहीं आई है वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, और सारी ऐसी सारी बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊंगी, बहुत सारी एक एक करके मैं सारी कवर करूंगी, और बहुत ही नॉलेजबल प्रैक्टिकली सारे दोनों चीज़ें सीखते करके सीखेंगे, बातें से भी समझाऊंगी और प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी। तो मेरे इस चैनल को देखते रहिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने अभी तक ये बोला नहीं है पूरे वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं।